यस सर, ये SST से रिलेटेड एक क्राफ्ट बनाया है इन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव का। बताइए बेटा कैसे बनाया है और क्या? अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, अब इसको बांध सकते हैं यहाँ से। हाँ सर, ये किससे बनाया आपने? न्यूज़पेपर से, मतलब वेस्ट का इस्तेमाल किया है। और ये किससे बनाया है? हाँ, चलिए चलिए, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सर। हाँ सर, मैं मयंक अग्रवाल क्लास 8 से। सर, मैंने ये फाइल बनाई सर, इसमें इंडिया की जानकारी बताइए। सर, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव सर, ये हमारे फ्लैग के सर, और भी इनको ही ताज नीचे के ऊपर ही है ना। चलिए और इंडियन आर्मी लगा दिए बेटा। सर वो उल्टा से, ये क्या है? इस्तू बना नो सर, ये साची सौ बात कार्डबोर्ड्स एंड वेस्ट पेपर्स एंड वी मेक दिस ग्रास फ्रॉम सैंड एंड कलर। बेटा ये यहाँ पर पीएम काफी घंटा कराने कराएंगे। किस जगह से कराते हैं? सर रेड फोर्ट। किस जगह से? सर दिल्ली इंडिया, ओल्ड दिल्ली। जैसे चढ़कर बोलते हैं ना, कि बोलते हैं ना, कहाँ चढ़ते हैं, किस जगह? यस सर, नीचे झंडा फहराने के बाद फिर मार्शल होता है ना। यस यस। चलो हड़प्पा, हड़प्पा पुराने समय के जो मतलब जो हंटर्स गैदर्स हुआ करते थे, वो ऐसी डिजाइन्स रॉक जो पेंटिंग्स होती थी ना उनका, एक जैसे अब आपने यहाँ भीमबेट का है तो उसका एक एग्जांपल है। अरे वाह, क्या बात है। बेटा किसने बताया बेटा तुझे ये? लेकिन इसके लिए बहुत दिमाग लगाया। हाँ अच्छा, कहाँ पर? बहुत बढ़िया, किसने बनवाया था ये? ये किसने बनवाई है? वही कहाँ है ये? कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। किसने बनवाई थी ये? बेटा इसके आगे, ये इसके आगे एक लोह स्तंभ है ना, मैरोली। हाँ, मैरोली का लोह स्तंभ है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर इसमें मैंने कार्डबोर्ड वाइट पेपर और कलर्स और कैटकॉल घर से बनाया है। ये नेशनल सिंबल संस्कृति हमारे
हैं जैसे कि फ्लैग टाइगर और सेट नेचुरल सिंबल्स हैं। फ्लैग हमारे देश को बताता है, हमारे इसे थ्री कलर तिरंगा भी बोलते हैं और इसके तीन कलर हमारे देश के बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ऑरेंज कलर सैफ्रन कलर हमारे शौर्य को बताता है, वाइट कलर शांति का प्रतीक होता है और ग्रीन कलर हरियाली का, और इसमें अशोक चक्र है जो कि हमें 24 आवर्स काम करने का बताता है। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर, मैंने एक मॉडल बनाया है रेड फोर्ट का जो कि दिल्ली में है और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो इसको मैंने कार्डबोर्ड पेपर्स और कलर से बनाया है और जो भी अदर वेस्ट मटेरियल होता है। वेरी गुड। तुमने क्या नाम है? ये हाँ बेटा दिखाओ, तुम भी आओ बेटा। ठीक है ना, आप इधर आ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग सर, इधर आ जाओ। इंडिया गेट अभी सिचुएटेड दिल्ली में है और मैंने इसे थर्माकोल कार्डबोर्ड और ये मेरे पास क्रिसमस ट्री था, इससे मैंने ट्री बनाने की कोशिश की। क्या बना बेटा? गुड मॉर्निंग सर, सर ये गांधी जी द्वारा निर्मित एक चरखे का प्रतिरूप है जो गांधी जी ने हिंदुस्तानियों को खादी का कपड़ा पहनने के लिए पहनाने के लिए बनवाया था, वो इसे कपड़ा बनाने का यंत्र नहीं एक बदलाव का प्रतिरूप मानते थे, वो इसके द्वारा लोगों में जागरूकता लाना चाहते थे। बहुत सारे लोग बैसाखी पर्व मनाने आए थे, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, तो सर जनरल डायर ने आके वहाँ पे उन सबको शूट करवा दिया था सर, ये उस मुद्दा को दिखाता है। इसके अंदर बहुत सारे लोग कोई भी मारते हैं, अगर हम गवर्नमेंट रिपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे 100 पीपल मारे गए थे, लेकिन अगर सर प्राइवेट रिपोर्ट की बात करें तो उसके अंदर 1000 पीपल मारे गए। क्या बना? ब्रिटिशर्स द्वारा आज़ाद हो गया और 75 वर्ष के बाद आज हम उस आज़ादी